वेलनेस होम्योपैथी क्लिनिक, जहां डॉक्टर अफीरा सुहा मेल और फीमेल यानी मर्द और ख्वातीन के मुख्तलिफ बीमारियों का होम्योपैथी तरीके से इलाज करती हैं। खुसूसी तौर पर एलर्जी, जॉइंट पेन, डायबिटीज, अस्थमा, अनेमिया, स्किन प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, हेयर प्रॉब्लम, साइनस प्रॉब्लम, पाइल्स, थायराइड डिसीज, माइग्रेन और बैक पेन वगैरह के इलाज किए जाते हैं। यहाँ पर हिजामा भी किया जाता है। वेलनेस क्लिनिक नियर हबीबिया मस्जिद, अपोजिट हनुमान टेम्पल, चंद्रबंडा रोड, LBS नगर, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8123515897। नाज़रीन आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कौमी सतह का जो 24 अक्टूबर को बेंगलुरु में इजलास मुनाकिद होने वाला है, उसी जिमन में माहौल सास जलसे के तौर पर रायचूर में ग्रीन पैलेस फंक्शन हॉल में 18 तारीख को एक जो अजीम शान जलसा होने वाला है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ अवकाफ़ के उनवान पर, मग़रिब के नमाज के बाद से रात 10 बजे तक, वो एक तारीखी अहमियत का जलसा है। इसको उस जलसे को बड़ी अहमियत हासिल है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे से पहले, जिसका पैगाम बहुत दूर तक जाने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह का जलसा मुनाकिद करे और किस तरह का माहौल हुकूमत के सामने लेकर चले, उसको एक सिमत मिलेगी हमारे इस जलसे से। इस जलसे में इनको कामयाब बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें शरीक होना और ये जलसे की कामयाबी का मिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक जाना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम, मेरी अपील है तमाम हमदर्दान कौम के लिए, अवामुन्नास से, कि इस इजलास में, ग्रीन पैलेस फंक्शन हॉल के इजलास में ज़रूर शिरकत करें और एक पैगाम लेकर वहाँ से हमको निकलना है। और फिर हमको 24 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा, 24 नवंबर को, अभी इसी महीने के 24 तारीख को ईदगाह कुद्दुस साहब मैदान में मुनाकिद होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में भी ज़्यादा से ज़्यादा रायचूर से शिरकत करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है।